है मेरे गार्डन प्लांट्स। और बाय द वे मेरी लोकैलिटी में एक नर्सरी है, तो मैंने उसे फोन करके बोला था कि मैं इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे गार्डन प्लांट्स के लिए एक सॉल्यूशन बना के दिया है जो मैं यूज करूंगा। पहले ये प्लांट्स लगा देता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली बात, वो सेम वाटर को रीयूज करता है। तो एक्चुअली ये एक फैक्ट है कि नॉर्मल एग्रीकल्चर में जितना पानी यूज होता है, हाइड्रोपोनिक्स में उसका सिर्फ 10% यूज होता है। ऑल्सो इसमें सॉइल नहीं लगती है, कोई इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं लगते हैं, सो इट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल। 2 फुट बाय 4 इंच की जगह में 9 प्लांट्स लग गए। शहरों में जहां जगह कम होती है, दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। इमेजिन करो ये आपकी विंडो में लगा हो, यहां पे फ्लावर्स हो, इट्स वेरी प्रिटी। ओके, अब इसमें नीचे एक टैंक लगा दूंगा। उस टैंक में एक मोटर आ जाएगी, मोटर से यही वाला पानी दोबारा ऊपर जाएगा एंड उसका एक सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। इस टैंक में मैं ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दूंगा जो मेरे गार्डन प्लांट्स के लिए है एंड इसे 1 वीक तक टेस्ट करूंगा। अगर ये परफेक्टली रन करता है फिर मैं इसे मम्मी को दे दूंगा एंड मम्मी के लिए जो भी पुदीना लगाना है, धनिया लगाना है, उसके लिए अपने नर्सरी वाले से एक अलग से सॉल्यूशन बनवा लूंगा। 1 हफ्ते के लिए इसे कहीं पे छुपा के रखना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी अ सरप्राइज फॉर माई मदर। तो मैं इसे कहीं छुपा के आता हूँ। एंड जाने से पहले आज का क्वेश्चन, सॉइल लेस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? What is soilless agriculture called? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं engineer@zq.in पर। और कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, फन आइडियाज हो तो प्लीज हमें मेल करिए। So till we meet next time, stay creative, keep experimenting and have fun. स्कूबी, इस एपिसोड के प्रोजेक्ट को बनाते समय शौर्य ने बचे हुए वेस्ट मटेरियल से क्या फन क्राफ्ट आइटम्स बनाए, ये देखने के लिए लॉग ऑन टू www.zq.in/engineerthis।